नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर राजस्थान न्यूज। मैं आपके साथ सौरभ। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावट कस्बे से है, जहां कस्बे के नया बाजार स्थित सेन मंदिर में शुक्रवार रात्रि को सेन समाज 84 पट्टे के आम बैठक सभा अध्यक्ष पूर्णाराम सेन शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सेन समाज 84 पट्टी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। आपको बता दें कि आयोजित चुनाव में सर्वसम्मति से पत्रकार जितेंद्र सेन को अध्यक्ष पद पर चुना गया। इसी प्रकार कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भोलूराम सेन, इंदोखा कोषाध्यक्ष पद पर सिंबूलाल सेन रामशिया, सचिव पद पर सुभाष सेन बोरावट, उपाध्यक्ष पद पर घनश्याम सेन बड़ू, सह कोषाध्यक्ष पद पर अनिल सेन बोरावट, सह सचिव पद पर पुखराज सेन मामडोली को चुना गया। वही शिवरतन सेन सबलपुर, भवानी सेन गिनसरिया, रामस्वरूप सेन मकराना, दामोदर सेन कुचिपला, ओम प्रकाश सेन भादवा, केसुराम सेन मनाना, राधेश्याम सेन चावंडिया, दिनेश सेन बोरावट, मनोज सेन मकराना, बद्रीनारायण सेन भादवा व पुखराज सेन भयाकला को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। व संरक्षक मंडल में राधाकृष्ण सोनगरा, विद्या गोपाल लाल बड़ू, नटवर लाल रामसिया, पूर्णमल शिवराज सिंह को शामिल किया गया। इससे पूर्व समाज का लेखा जोखा धनराज सेन बोरावट ने प्रस्तुत किया। इस दौरान बजरंगलाल सेन, नारायणपुरा नानूराम सेन, पूर्णमल सेन, गणपत लाल सेन, मिट्टूलाल सेन, दाऊलाल सेन, जगदीश प्रसाद सेन, दिलीप कुमार सेन, टिकमचंद सेन, सेन समाज विकास समिति अध्यक्ष दिनेश सेन, चांदमल सेन बाजोली, रमेश सेन मनाना, किशन सेन, अशोक सेन, गोपाल सेन मकराना, हेमंत सेन बुरसू सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बोरावट से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज़।